हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है एंड मैं करेंटली एज एन एनवायरमेंट आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। सो एक क्वेश्चन बार मेरे इनबॉक्स में आ रहा है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एनवायरमेंट आर्टिस्ट, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी और गाइड मी। जनरली मैं रिप्लाई मैसेज से ही कर देता हूँ, बट इस बार मैंने सोचा क्यों ना ये सब वीडियो में इंक्लूड कर दूँ, जिससे एक ही चीज़ बार बार मेरे को रिपीट ना करना पड़े एंड बाकी और लोगों को भी हेल्प हो जाए। ये पूरा टॉक मैं हिंदी में करने वाला हूँ, क्योंकि ये टिप्स एंड सजेशंस मैं इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को कंसिडर करके दे रहा हूँ। आउटसाइड इंडिया कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, वहाँ आप कॉलेज फिनिश करके इजीली एक गेम डेवलपिंग कंपनी में एज अ इंटर्न और एज अ फ्रेशर एनवायरमेंट आर्टिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बट इंडिया का थोड़ा डिफरेंट सीन है। यहाँ मोस्टली आउटसोर्सिंग स्टूडियोज़ है, सो आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। बस स्टार्टिंग डिफरेंट करना होगा, पाइपलाइन वाइज सब सेम ही है। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये सब आज मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो मेरा अपना व्यू है। इस फील्ड में मैं 5-6 साल से जॉब कर रहा हूँ, सो जो जो चीज़ मैंने नोटिस की है, जो भी मेरी लर्निंग्स है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप पैशनेट हो गेम आर्ट को लेके, एक हार्ड वर्किंग इंसान हो आप, क्योंकि जितना आसान दिखने में लगता है ये उतना है नहीं। कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग से एंड तक मिलेगा आपको। अगर आपका आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है तो सब कुछ आपको स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा एंड टफ लग सकता है ये। बाय द वे, मेरा खुद साइंस बैकग्राउंड था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि किसी और फील्ड की जॉब से कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर फील्ड है, रोज नए नए सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं एंड आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा, बस रियलिटी बता रहा हूँ। ये सब बहुत आसान हो जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट है एंड आप क्यूरियस हो चीज़ें सीखने में। पेशेंस, फोकस और हार्डवर्क आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। अगर खेल गए तो नेम, फेम एंड बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। सो एनवायरमेंट आर्टिस्ट क्या होते हैं? गेम में कैरेक्टर, लाइट, VFX, व्हीकल्स, वेपन, ग्राफिक्स यूआई को छोड़ के जो भी चीज़ आपको दिखती है, एनवायरमेंट आर्टिस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एनवायरमेंट आर्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक एंड मैनमेड और स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक में टेरेन एंड वेजिटेशन से रिलेटेड सब कुछ एंड बाकी का स्ट्रक्चर्स में। एनवायरमेंट आर्टिस्ट के रोल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रोल्स इन स्मॉलर प्रोजेक्ट डेट इज AA प्रोजेक्ट, रोल्स इन बिगर प्रोजेक्ट डेट इज AAA प्रोजेक्ट्स। AAA प्रोजेक्ट्स हाई ग्राफिक्स वाले प्रोजेक्ट होते हैं, टीम साइज बड़ी होती है एंड उनका बजट भी ज़्यादा होता है। वहीं AA प्रोजेक्ट्स में टीम साइज छोटी होती है एंड एक ही आर्टिस्ट को मल्टीपल कंट्रीब्यूशन देना होता है। AAA प्रोजेक्ट्स में आपके रोल्स होंगे लेवल डिजाइनर, जो सेट ड्रेसिंग करता है, मतलब बने हुए एसेट्स को गेम में प्लेस करना। मटेरियल आर्टिस्ट सिंपल है, जो मटेरियल्स बनाता है प्रोसीजरली या मैनुअली। वर्ल्ड डिजाइनर टेरेन की स्कल्पटिंग करता है। वेजिटेशन आर्टिस्ट ट्रीज, ग्रास, बुशेस क्रिएट करता है। किसी किसी स्टूडियो में इसे प्रॉप क्रिएशन के रोल में भी कंसिडर करते हैं। रोड आर्टिस्ट, रोड को स्प्लाइन से टेरेन पे प्लेस करना एंड उससे रिलेटेड डिकल्स एंड मटेरियल्स पेंट करना। टेरेन पेंटर प्लस वेजिटेशन प्लेसमेंट, प्रोसीजरी या मैनुअली टेरेन की टेक्सचरिंग एंड वेजिटेशन प्लेसमेंट करना। एक्सटीरियर बिल्डिंग क्रिएशन, बिल्डिंग के एक्सटीरियर बनाता है। इंटीरियर बिल्डिंग क्रिएशन, बिल्डिंग के इंटीरियर बनाता है। एंड ऐसा नहीं है कि बस इतने ही रोल्स होते हैं, डिफरेंट स्टूडियोज़ ने अपने हिसाब से रोल्स को डिवाइड कर रखा है, बट मोस्टली ऐसे ही होते हैं। ओके, सो आप जैसा कि आप देख सकते हो कि हर एक डिपार्टमेंट में एक या एक से ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं। और AA प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक वर्ल्ड डिजाइनर होगा जो टेरेन की स्कल्पटिंग एंड रोड क्रिएशन संभालेगा। एक आर्टिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी कि टेरेन को टेक्सचरिंग करना, वेजिटेशन प्लेसमेंट करना और शायद वेजिटेशन क्रिएशन भी। एंड एक या दो स्ट्रक्चर आर्टिस्ट होंगे जो मटेरियल क्रिएशन प्लस इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्डिंग क्रिएशन देखेंगे। AA प्रोजेक्ट के रोल सुनने में बहुत ज़्यादा काम लग रहा होगा, बट उतना भी टफ नहीं होता। जनरली AA प्रोजेक्ट के पास बजट एंड टाइम कम होता है, सो ज़्यादा आर्टिस्ट हायर नहीं कर सकते, तो आर्टिस्ट को स्मार्ट वर्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सचर क्रिएशन स्क्रैच से नहीं होगा, उनके पास डिफरेंट वेबसाइट्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं जैसे क्विक्सेल, मेगास्कैन, texas.com, सो दैट टाइम सेव कर सके। और ऐसा नहीं है कि आप कोई टेक्सचर बना नहीं सकते, जो टेक्सचर्स आपको नहीं मिलते हैं उसे बनाना भी पड़ता है। एंड टेलेबल टेक्सचर एंड टेक्सचर ब्लेंडिंग यूज़ करते हैं, आइदर वर्टेक्स कलर से या ब्लेंडिंग मास्क से। थोड़ा सा समझते हैं एनवायरमेंट आर्ट के बारे में। जैसा इस एनवायरमेंट का ब्रेकडाउन करें तो पहले आर्टिस्ट ने टेरेन स्कल्प्ट किया होगा, देन रोड्स को स्प्लाइन से टेरेन पे प्लेस किया होगा, उसके बाद उन दोनों की टेक्सचरिंग, फिर बिल्डिंग्स, स्टोन्स एंड रॉक्स ऐड हुए होंगे, देन वेजिटेशन प्लेसमेंट एंड उसके बाद प्रॉप प्लेसमेंट। सो स्टार्ट कैसे करें? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंडिया में मोस्टली आउटसोर्सिंग स्टूडियोज़ है, सो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि उसमें जॉब कैसे मिले। सो जो भी बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते हैं वो सारा काम खुद से नहीं करते,
बहुत से एसेट्स आउटसोर्स करते हैं एंड उनमें मोस्टली प्रॉप्स होते हैं। प्रॉप्स की डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं होती एंड उनको इंडिविजुअली बना के भी बाद में इंटीग्रेट किया जा सकता है इंजन में। सो आप स्टार्ट करो प्रॉप क्रिएशन से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो, उनके सर्फेसिस की प्रॉपर्टी स्टडी करो, जैसे वुड, मेटल, स्टोन एक्सेट्रा। इन्वायरमेंट कुछ नहीं है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एसेट्स है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपने अर्ली करियर स्टेज में ही इन्वायरमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आई नो इन्वायरमेंट दिखने में कूल लगता है एज कम्पेयर टू प्रॉप्स, आपके पोस्ट पे ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल एसेट्स को देखोगे तो रियलाइज़ करोगे कि वो बेसिक से ही लग रहे हैं, उन पर और काम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वायरमेंट बनाना गलत है, ये वीडियो ही मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट आर्टिस्ट बनो और बड़े बड़े इन्वायरमेंट आगे चल के बनाओ। देखो ऐसा तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, अगर आप इन्वायरमेंट बना रहे हो तो आप कंपोजिशन, कलर मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट एक बड़े टास्क को कंप्लीट करने की दिखा रहे हो। मेरा ऑब्जेक्शन है आप अपने करियर के किस स्टेज में इन्वायरमेंट बना रहे हो। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ का टीम लीड और आर्ट डायरेक्टर आपके पोर्टफोलियो में देखना चाहेगा कि आप लो पॉली कैसा बना रहे हो, हाई पॉली पे कैसा कमांड है आपका, डिफरेंट सर्फेसेस की टेक्सचरिंग स्किल कैसी है आपकी। ये सब प्राइमरी चीज़ें हैं, कंपोजिशन स्किल्स, लाइटनिंग, शेडर बनाना, ये सब सेकेंडरी स्किल्स है। अगर नहीं भी नॉलेज हुआ तो कोई बात नहीं, आपको प्रॉप के साथ साथ अपने माइंडसेट पे भी काम करना है। इन्वायरमेंट आर्टिस्ट का रोल चैलेंजिंग होता है, आपके वर्क से आपके टीममेट भी अफेक्ट होते हैं, सो आपको क्वालिटी मेंटेन करते हुए आपको टाइम पे भी पूरा करना होता है टास्क। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए, अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से ही कर लेते हो विदाउट सीनियर की हेल्प, वो ह्यूज प्लस पॉइंट है। एंड फीडबैक को एक्सेप्ट करना एंड रिवर्क से पीछे नहीं हटना भी आपको अपने हैबिट में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि किस टाइप के प्रॉप्स आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने चाहिए। देखो एक्चुअल में कुछ ही डिफरेंट सर्फेसेज है जिनकी आपको स्टडी करनी है और वही बार बार रिपीट होते हैं, जैसे वुड, मेटल, स्टोन्स, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर कुछ एग्जांपल्स है। अब वुड की बात करें तो उनके पैटर्न की स्टडी करो, पेंटेड वुड में वुड का चिप ऑफ कैसे हो रहा है, रफ वुड में एज कैसे ब्रेक हो रहे हैं, हाउसहोल्ड फर्नीचर में कैसे डैमेज होता है, रफनेस में वेरिएशन देना, कलर में वेरिएशन, ये सब चीज़ें की स्टडी करो। एंड मेटल में देखिए तो रफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट सर्फेसिस में डेंट एंड स्क्रैचेस किस हिसाब से होंगे, वो सब चीज़ की स्टडी करो। बहुत से मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको डाउनलोड करो और देखो कि कौन कौन से मैप कैसे कैसे यूज़ हुए हैं। स्टोन्स एंड रॉक्स में उनके शेप्स की स्टडी करो ZBrush में, फिर टेक्सचरिंग में कलर वेरिएशन की हेल्प से शो करने की कोशिश करो कि हिस्ट्री उनकी कैसी है। एक क्वेश्चन आता है कि ZBrush में डाउनलोडेड अल्फा या ब्रश यूज़ करें या ZBrush के ही प्राइमरी ब्रशेज यूज़ करें, सो मेरा सजेशन ये होगा कि बेस शेप के लिए डिफ़ॉल्ट ZBrush के ब्रश से ही प्रैक्टिस करो एंड सरफेस डिटेल के लिए अल्फा एंड अदर टेक्सचर्स यूज़ करो। बहुत से डाउनलोडेड चीज़ आप प्रोडक्शन हाउस में यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू देयर लाइसेंस, सो अगर आपने बेसिक ब्रश एंड पैटर्न से ही अपनी स्टडी की होगी तो आगे चल के आपको ज़्यादा इशू नहीं होगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर वो पर्टिकुलर ब्रश या पैटर्न आपको ना मिले तो आप वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। और सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है आपको, कुछ ही सॉफ्टवेयर्स पे कमांड चाहिए आपको, जैसे ZBrush हाई पॉली के लिए, माया या मैक्स मिड पॉली एंड लो पॉली के लिए, सब्सटेंस पेंटर टेक्शन के लिए एंड मार्मोसेट फाइनल रेंडरिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए। धीरे धीरे अनरियल में ट्रांजिशन कर सकते हो रेंडरिंग के लिए। एसेट प्रेजेंटेशन में भी ध्यान देना है आपको, पॉली काउंट मेंशन होना चाहिए, यूवी का स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो, डिफरेंट मैप्स शो कर सकते हो, कितने टेक्सचर मैप यूज़ किए हैं वो भी मेंशन करना चाहिए, वायरफ्रेम व्यू मॉडल का एंड हाई पॉली स्क्रीनशॉट्स भी। ये सब चीज़ मेंशन करने से शो होगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने एसेट को लेकर, जो हायरिंग पर्सन होगा उसको फाइनल रेंडर से ज़्यादा इन सब चीज़ों पर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो ये सब चीज़ देख के जज कर सकता है आपको कि हाँ आप कितने अवेयर हो पॉली काउंट एंड ऑप्टिमाइजेशन को लेके, यूवी में अनवांटेड स्पेसेस तो नहीं है, नॉर्मल मैप कितना अच्छे से बेक हुआ है, अल्बिडो में कैसा वेरिएशन है एक्सेट्रा। चलो सपोज करो आपको जॉब मिल गई एक स्टूडियो में, उसके बाद क्या? सो मैं सजेस्ट करूँगा प्रॉप की प्रैक्टिस करते रहने के लिए, तब तक जब तक आपको प्रॉप के हर एक स्टेप में कॉन्फिडेंस ना आ जाए। स्टेप्स मतलब यूवी पैकिंग, हाई पॉली क्रिएशन, लो पॉली क्रिएशन, टेक्सचरिंग, फिर क्वालिटी की इंक्रीज़ करो अपने वर्क का, कुछ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को आर्ट स्टेशन पे फॉलो कर लो एंड उनके लेवल की क्वालिटी को अचीव करने की कोशिश करो।
जब इंडिविजुअल प्रॉप पे कॉन्फिडेंस आ जाए तो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉप स्टार्ट करो जिसमें मल्टीपल सर्फेसिस हो, जैसे वुड, स्टोन, मेटल एक्सेट्रा एक साथ। उनमें थोड़ा सा कंपोजिशन, कलर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आगे चल के इन्वायरमेंट क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोशिश करो कि WIP किसी भी प्रोजेक्ट को ना छोड़ो। जैसे जैसे बड़े बड़े प्रॉप्स बनाना स्टार्ट करोगे उनमें टाइम भी ज़्यादा लगने लगेगा एंड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लंबे टाइम तक फोकस करना। इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इन्वायरमेंट बनाना में मंथ्स लग जाते हैं एंड जैसा एक्साइटमेंट स्टार्ट में रहता है मीडिया एंड तक आते आते उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। अब कुछ क्वेश्चन है मैं जो काफ़ी सुनता हूँ। सो पहला क्वेश्चन है जर्नलिस्ट रोल इन गेम इंडस्ट्री। जर्नलिस्ट रोल जनरली मूवी एंड फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, गेमिंग में नहीं। आपके रोल्स डिपेंड करेंगे आप किस प्रोजेक्ट में हो। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में आपके मल्टीपल रोल पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहीं बड़े प्रोजेक्ट में किसी एक ही चीज़ पे फोकस करना होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है अपने पोर्टफोलियो पे काम करना। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है फ्री टाइम में अपने पोर्टफोलियो पे काम करना। मल्टीपल कारण है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। पहला ये है कि जब आप जॉब करते हो आपको आपके हिसाब से हर टाइम काम नहीं मिलता एंड खुद को मोटिवेट एंड इंटरेस्टेड बनाए रखने के लिए आपको वो काम भी करना चाहिए जिसमें को आप पसंद करते हो। स्टूडियो में तो आप फोर्स नहीं कर सकते बट घर पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। एंड दूसरा कारण है कि आप जब आउटसोर्सिंग स्टूडियो में जॉब करते हो तो अपना काम आप सोशल साइट्स पे पोस्ट नहीं कर सकते। आपका नेम तो आ जाता है क्रेडिट में बट पोर्टफोलियो में स्क्रीनशॉट ऐड नहीं कर सकते आप। क्रेडिट में नाम आना भी सही है बट उससे ये पता नहीं चलता कि आपने किस टाइप का वर्क किया है गेम में। अगर कोई आपको हायर करना चाहेगा तो आपका वो वर्क देखना चाहेगा। सो पोर्टफोलियो पे काम कंटिन्यू रखो। थर्ड क्वेश्चन है बड़े टाइटल वर्सेस स्मॉलर टाइटल इन योर पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने कहा, हायरिंग वाला बंदा आपका काम देखने में इंटरेस्टेड होगा रेदर देन फैंसी टाइटल्स। किसी स्मॉल टाइटल में आपने बड़े बड़े काम किए हैं तो वो अच्छा है रेदर देन किसी बड़े टाइटल में छोटा मोटा काम। आपकी लर्निंग मैटर करती है। ऑब्वियसली बड़े टाइटल में नई टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट पाइपलाइन यूज़ होंगे बट अगर आपको उतना ज़्यादा एक्सपोजर ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा बड़े टाइटल का। फोर्थ क्वेश्चन है तनख्वाह को लेकर। तो स्टार्टिंग में तो सोचो ही मत इसके बारे में, काम करते रहो, फल की चिंता लास्ट में करना। सिंसियर रहो फ्यूचर को लेकर, हार्डवर्क करते रहो, बैंक बैलेंस में ज़ीरो आपके ऐड होने लगेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स्ट्रा मनी के लिए फ्रीलांसिंग। ये डिपेंड करता है, अगर फैमिली की आपकी हालत ठीक नहीं है तो आप कर सकते हो बट अगर आप खुद की शौक के लिए एडिशनल मनी है तो अवॉइड करो। रेदर देन दिस पोर्टफोलियो पे काम करो अगर किसी बड़े स्टूडियो में आगे चल के आपको जॉब करना है तो। करियर के इस मोड में आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए रेदर देन मनी। अगर इस टाइम का यूज़ करके आपने ZBrush या पेंटर पे अच्छा कमांड कर लिया तो फ्यूचर में तो आपको नोट ही नोट छापने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिग्री चाहिए कि नहीं। डिग्री आपको नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो ही आपकी डिग्री है। सेवन्थ क्वेश्चन है अगर आप मोर देन ऑफिस आवर काम कर रहे हो। देखो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे ही काम नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहेगा बट बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि स्टार्टिंग में आप चीज़ें सीख रहे होते हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है किसी भी काम करने में। धीरे धीरे ये काम नॉर्मल हो जाएगा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे। एट्थ क्वेश्चन है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कितना होना चाहिए और किस टाइप का वेरिएशन होना चाहिए। जब मैं डाइवर्सिफाई की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कैरेक्टर इंक्लूड कर लो पोर्टफोलियो में। एक दो आर्ट सरफेस के एसेट्स होने चाहिए, कुछ प्रॉप्स होने चाहिए, एक दो स्टाइलाइज एसेट्स भी, ये गलत है। ये सब अलग अलग डिसिप्लिन के काम है। कैरेक्टर, हार्ड सर्फेस, एसेट क्रिएशन, स्टाइलाइज वर्क खुद में अलग अलग डिपार्टमेंट है। आपको करियर के स्टार्ट में ही डिसाइड करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। देन उस डिसिप्लिन में अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करोगे तो बेनिफिट रहेगा। फॉर एग्जांपल आप हाइपोली भी बनाना जानते हो, टेक्सटाइल स्किल्स भी आपकी अच्छी है, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक एसेट्स क्रिएशन का भी नॉलेज है आपका, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं हायर होने के। इससे स्टूडियो का भी बेनिफिट रहता है कि वो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में असाइन कर सकता है एंड मल्टीपल रोल दे सकता है आपको। नाइन्थ क्वेश्चन है स्कैन डाटा एंड प्रॉप आर्टिस्ट का फ्यूचर। अभी देखें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मटेरियल क्रिएशन वाले आर्टिस्ट है एंड ऐसा भी नहीं है कि आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्कैन किया जाने से। होगा ये कि गेम का स्कोप बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो कि कैसे गेम का साइज़ बड़ा हो रहा है धीरे धीरे।
स्कैन के आ जाने से और भी ज़्यादा कंटेंट बनने लगेंगे, बट आपको खुद के स्किल्स को भी डाइवर्सिफाई करते रहना है। सॉफ्टवेयर फील्ड है, इनोवेशन तो होते रहते हैं, सो अवेयर रखो बट टेंशन मत लो। 10th क्वेश्चन है, अब्रॉड जॉब कितना टफ है? देखो, बाहर जॉब लेना टफ तो है, बहुत नेट पिकिंग करते हैं स्टूडियो वाले, भले ही आप सेम काम कर रहे हो इंडिया में भी। आपको कॉन्फिडेंस गेन करना होगा, एंड इसका सिंपल तरीका है अपने पोर्टफोलियो पे काम करते रहो। आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं, आप इंट्रोवर्ट हो एक्सेट्रा, ये सब पोर्टफोलियो सही रहा तो मैटर ही नहीं करेगा हायरिंग के टाइम पे। जूनियर का रोल मिलना मुश्किल है, सो मिड एंड सीनियर एक्सपीरियंस के बाद ट्राई करने में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। 11th क्वेश्चन है, डबल ए प्रोजेक्ट सही है या ट्रिपल ए प्रोजेक्ट? देखो, ऐसे तो कोई भी प्रोजेक्ट खराब नहीं है, आप हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ सीखते हो। आपको देखना है कि आप किस करियर के स्टेज में हो, कौन से प्रोजेक्ट में जाने से आपको ज़्यादा लर्निंग मिलेगा, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपका स्टार्टिंग करियर स्टेज है तो डबल ए प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा कुछ सीख सकते हो आप वहाँ पे, पाइपलाइन की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग से एंड तक। ज़्यादा काम रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर भी रहेगा वहाँ पे। ट्रिपल ए प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पे आप नई और एडवांस पाइपलाइन सीखोगे, आपको वैरायटी ऑफ वर्क तो नहीं मिलेगा बट क्वालिटी ज़्यादा होगी काम की वहाँ पे आपकी। 12th क्वेश्चन है, कौन सी डिसिप्लिन में ज़्यादा सक्सेस रेट है एंड सैलरी? जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो बेस्ट है। सब डिसिप्लिन में आप सीनियर आर्टिस्ट से लेकर डायरेक्टर बन सकते हो, सो चूज वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है एंड जिसको आप लंबे टाइम तक कर सकते हो। ओके देन, सो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस है तो आप ऑलवेज मैसेज कर सकते हो। चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।